तो जी दोस्तों सर और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं जारियान टीवी और आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज ये भी है जो सिद्धों में जो किसानों द्वारा है जो प्रदर्शन किया गया और अब मैं आपको दिखाना चाहूँ कि यहाँ पर जो लंगर चला हुआ है मैं आपको दिखा दूँ जो प्रदर्शन करने के बाद जो खाना ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि अब यहाँ पर जितने किसान हैं हम उनसे यहाँ पर बातचीत करना चाहेंगे कि जो आज यहाँ पर प्रदर्शन हुआ क्या इस प्रदर्शन से है जो सरकार क्या कुछ सीख पाएगी, क्या किसानों के जो तीन अध्यादेश हम वापस ले पाएगी, तो एक है हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी राम राम जी। राम राम। अच्छा जी जो आज आपने जो प्रदर्शन किया है पूरे शहर में आपको क्या लगता है जो हरियाणा सरकार क्या मैं जो तीन अध्यादेश है वापस लेगी? लेगी, कोशिश करेंगे हम, लड़ेंगे, मजबूर करेंगे सरकार को, नई सरकार हमारी बात मानने की तो उसको गिराने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी आप ये बताओ कि जैसे कि जो मुख्यमंत्री जी हमें बोल रहे थे कि जो किसानों के ऊपर है पीपली में लाठीचार्ज नहीं हुआ था। लाठीचार्ज एक बार नहीं चार बार हुआ, हर जो ये लाठीचार्ज हुआ है ये लाठीचार्ज में जो हमारे किसान भाइयों का खून बहा है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये खून का जो एक कतरा है उसका हिसाब इनको देना पड़ेगा और इस खून के कतरे से इनकी सरकार को समझ ले कि टाइम आ चुका है गिरने का। ये वो ऐतिहासिक पवित्र धरती है पिपली की, जो यहाँ भी धर्म और है धर्म की लड़ाई होती है तो धर्म की जीत होती है और ये खून जो बहा है व्यर्थ नहीं जाएगा, इसमें ज़रूर किसान जीतेगा, व्यर्थ खाली नहीं रहेगा, किसान अवश्य जीतेगा और सरकार को भी गिराने का काम करेंगे। ये ऐसा खून बहा है, अब पूरे देश में बहुत आग फैल चुकी है इसकी, हर किसान नहीं हर वर्ग जाग चुका है, हर वर्ग को पता लग गया कि जो काले तीन अध्यादेश आए हैं ये किसान विरोधी नहीं है, पूरे देश विरोधी है। ये एक आर्थिक आज़ादी का बिगुल बजा है, पहले आर्थिक आज़ादी नहीं थी देश में, वैसे अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे, काले अंग्रेज हैं जो ये हमारे नेता लोग ये हमको चूस रहे हैं, इनसे आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हुई है और इस आर्थिक आज़ादी से आज़ाद होके ही दम लेंगे, नहीं तो दम नहीं लेंगे। तो जो तीन अध्यादेश हैं इनका नाम बताओ। हाँ, इनका पहला तो है जो इनका फर्स्ट अध्यादेश है, इस अध्यादेश में है इनकी स्कीम है मंडियों को ख़त्म करने की मोटी ही भाषा। दूसरा है जो इन्होंने खाद्य पदार्थ हैं खाने की चीज़ें हैं, दो चार पूंजीपति ही पूरे देश का खाद्य पदार्थ इकट्ठा कर लेंगे और मन मर्जी के भाव से बेचेंगे, ये अमीर भी खाएगा गरीब भी खाएगा हर नागरिक को दुखी करेगा। और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग खेती है, इसमें एक दो किले वाला जमींदार है जो ये सरकार उसको नहीं छोड़ रही, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और वो कंपनियां अपना बीज खाद अपने तरीके से खेती करवाएंगी और छोटे किसान को अपना बंधुआ मजदूर बनाएंगी वो। और इसमें हमारे देश का किसान जाग गया है, हमारा किसान अपना मजदूर रहने के लिए तैयार नहीं है, इसमें आगे आने वाली पीढ़ी जो है उसको बचाना है, इसमें इज्जत बेइज्जती का सवाल है। जी जो तीन अध्यादेश है किसान को इन तीन अध्यादेश क्या नुकसान होने वाला है इसके बारे में क्या? किसान को ही नुकसान है और क्या होगा इससे ज़्यादा, मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो किसान के पास क्या रह जाएगा, मंडियाँ तो किसान का तीरथ का ATM है, किसान का और आड़ती का जो खाली दामन का रिश्ता है और ये उसको तोड़ रही है। आज आपके साथ आड़तियों का समर्थन है, आड़ती मंडी बंद कर रहे हैं, हमारे साथ पूरा सहयोग है उनका और दुकानदार भाइयों ने भी हमारा सहयोग किया है, उन्होंने भी तुम्हारे कहने से दुकान बंद कर दी, अगर किसान के पास एक रुपया होगा तो वो दुकान पर जाकर एक रुपया खर्च करेगा, दो रुपये होंगे तो दो रुपये खर्च करेगा, किसान मर जाएगा तो देश मर जाएगा। जी जी सिद्धों में जो 20 तारीख को धरना प्रदर्शन जो खान चौक पर किया गया था उस दिन भी है जो उत्साह मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो 20 तारीख को है जो धरना प्रदर्शन हुआ था खान चौक पर उस दिन भी जो हमारे हल्के से है जो सुभाष मोदी जी हैं वो उस दिन भी दिखाई दिए और आज के दिन भी देखा जाए तो आज के दिन भी हमें भाई जो सत्ता का लालची हो किसानों के बीच में नहीं आओगा, अब किसान जाग चुका है, जितने भी सत्ता के लालची हैं आगे आने वाले समय में इनको सबक सिखाएंगे। आपका नाम जी? मेरा नाम है चौधरी लीलू राम, भारतीय किसान यूनियन हरियाणा चढ़ूनी जिला जींद अध्यक्ष। धन्यवाद आपका।
तो दोस्तों हमारे साथ यूनियन के जो अध्यक्ष थे और जो किसान यूनियन के अध्यक्ष थे उन्होंने बताया कि जो किसान की जो तीन दस के बारे में बताया। और दोस्तों हमने यहाँ पर बात करने की कोशिश की और दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी भाई इस वीडियो देख सकें।